जय हिंद बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा है द सेट जेड एन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो ए पॉजिटिव इंटीजर एन इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन, जिसको प्लस एन से डिनोट करते हैं. एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन, जिसको क्या करते हैं हम, प्लस एन से डिनोट करते हैं. ठीक, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो हमारा सेट जेड एन है, जिसको क्या कहते हैं, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो ए पॉजिटिव इंटीजर एन, वो इस ऑपरेशन प्लस एन के संग, जो कि क्या है, एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन, इसके संग एक ग्रुप बनाता है. यानी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज जो है वो हमको दिखाना होगा कि ये सेट जेड एन जो है इस ऑपरेशन के अंडर सेटिस्फाई करता है. ठीक, तो इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले ये जो हमारा सेट जेड एन है ये है क्या, ये मिला कैसे है. ये पहले के टॉपिक्स में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि मान लिया जेड हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड को हम डिनोट ही करते हैं, जेड इज सेट ऑफ इंटीजर्स. इसके एलिमेंट्स कुछ हमारे होते हैं 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. ठीक, और क्या करते हैं हम, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर n लेते हैं. पॉजिटिव इंटीजर n यानी n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हम ले सकते हैं. इस तरह से हम कहते हैं कि एक रिलेशन डिफाइन करते हैं हम सेट z पे, यानी z से z पे एक हम रूल डिफाइन करते हैं कि कोई यहां का एलिमेंट इस सेट Z के एलिमेंट्स किसी एलिमेंट से कब रिलेटेड होगा. अगर कोई दो एलिमेंट्स A और B हम लेते हैं Z में, तो वो कब इस रिलेशन R के जरिए एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. तभी रिलेटेड होंगे जब N जो है वो A माइनस B को डिवाइड करे. ठीक, हम क्या करते हैं, हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं सेट Z पे और कहते हैं कि दो इंटीजर्स A और B आपस में तभी रिलेटेड होंगे जब ये इनके डिफरेंस को ये इंटीजर N डिवाइड करता है. ठीक, तो इस केस में हम देखते हैं कि ये जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है और ये पूरे सेट Z को पार्टीशन करता है इक्विवेलेंस क्लासेस में, और उसके एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से. सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस जब डिनोट करते हैं तो वो हमारा 0 बार से स्टार्ट होके 1 बार, 2 बार, और ये कहां तक जाता है, ये जो भी हमारा नंबर n हमने लिया था n माइनस 1 बार तक, ये एलिमेंट्स सारे शो करता है सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n. ठीक, ये सेट हमारा, ये इसको डिटेल में आप जो रेसिड्यू क्लासेस वाला टॉपिक है उसमें आप समझ सकते हैं इस चीज को. अभी सिंपल ये समझना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास है, एन कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और हमने क्या किया, एक रिलेशन डिफाइन किया जेड के अंदर, एक रूल बनाया कि कोई भी एलिमेंट ए और बी जो जेड के अंदर है वो कब आपस में रिलेटेड होंगे, अगर ये नंबर एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है. तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, और हर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, किसी सेट को इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन करता है, और ये इक्विवेलेंस क्लासेस जो है जेड के उसमें यही यही एलिमेंट्स जाएंगे, और इसको पूरे इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट्स को हम जेड एन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. स्टार्ट होता है 0 बार से, और ये जो भी नंबर हमने लिया है उससे एक कम बार तक रिप्रेजेंट करते हैं, बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, अब इस सेट के अंदर क्या करते हैं, हम एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, ऑपरेशन ऑफ एडिशन मॉडुलो एन, उसको डिनोट करते हैं प्लस एन से. नॉर्मल एडिशन जब हम जेड के अंदर डिफाइन करते हैं तो प्लस से, और इस रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन के अंदर जब हम डिफाइन करते हैं एडिशन तो प्लस एन से डिफाइन करते हैं. ये डिफाइन किस तरह से होता है, यहाँ पर बीच में हम मान लिया हमारे एलिमेंट्स आर बार हैं, एस बार हैं, ऐसे कई एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो ये अगर कोई दो एलिमेंट आर बार और एस बार अगर हम जेड एन के अंदर लेते हैं और इन दोनों को हम इस एडिशन ऑपरेशन के संग जब ऑपरेट करते हैं, इस पर लगाते हैं, तो ये क्या करना होता है हमको, सबसे पहले हम सिंपली और आर और एस को ऐड करते हैं, बार लगा देते हैं. ठीक, सिंपल एडिशन करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर 3 बार है या 4 बार है तो सिंपली 3 प्लस 4 लिख के बार लगाएंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ जो भी नंबर हमारा आएगा ऐड करने पे उसको इस नंबर n से डिवाइड करते हैं. ठीक, और डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो हमारा रिजल्ट होता है. ठीक, तो रिमाइंडर जो आएगा हमारा वो मान लिया k है, तो k रिमाइंडर है, तो इसकी वैल्यू क्योंकि n से ये डिवाइड करने पे हमको k मिल रहा है, n से जब हम r प्लस s को डिवाइड कर रहे हैं तो k की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या क्या हो सकता है हमारा, n से छोटी. तो जो भी रिमाइंडर आएगा n से डिवाइड हम कर रहे हैं, r प्लस s को n से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर को लिख रहे हैं, यानी जो k की वैल्यू है या तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा या n से छोटा होगा. ठीक, तो ये हमारा है एडिशन, कुछ इस तरह से इसमें डिफाइन करते हैं. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. n की जगह हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, मान लिया हमारे पास n की जगह हम 6 लेते हैं. ठीक, तो जो सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 6 होगा वो उसमें हमारे एलिमेंट्स होंगे 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये कहां तक जाएगा, यहां जो भी n है उससे एक कम तक, यानी 5 बार तक.
ठीक। अब इसमें एडिशन हमको डिफाइन करना है, उसका नोटेशन होगा प्लस सिक्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे, मान लिया कोई एलिमेंट हम लोगों ने इसी के अंदर से दो एलिमेंट लिए, थ्री बार लिया और फोर बार, और इन दोनों को हमको इस ऑपरेशन के जरिए ऐड करना है। तो क्या करते हैं, हम पहले इसको सिंपली ऐड करते हैं, जैसे नॉर्मल इंटीजर्स को ऐड करते हैं, तो थ्री प्लस फोर, ठीक। तो ये हमारा आया सेवन बार। अब क्या करेंगे, यहां पर जो भी नंबर है उसको इस एन से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा हमारा। तो सेवन है, इसको जब हम लोगों ने सिक्स से डिवाइड किया तो रिमाइंडर वन आएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, वन बार, ठीक। इसी तरह यहां पर मान लीजिए आप लोगों ने ले लिया फाइव बार एंड वन बार, दो एलिमेंट्स फाइव बार और वन बार इसके अंदर, और इस पर हमने प्लस लगाया ये, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, हम नॉर्मल एडिशन करेंगे, यानी फाइव प्लस वन, देखेंगे क्या आया, बार लगाते जाएंगे और जो भी हमारा आएगा उसको फिर इस एन की वैल्यू से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। तो जैसे ही हम सिक्स से सिक्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, जीरो होगा, यानी इसका रिजल्ट ऐड करने पे हमको मिलेगा जीरो बार, ठीक। तो अगर आप समझ गए हो कि ये ऑपरेशन एडिशन कैसे इस सेट के अंदर डिफाइंड है, तब फिर इसका प्रूफ हम लोग अब समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो सेट हमारे पास, अभी हम लोगों ने जैसे एन इक्वल सिक्स लिया था, यहाँ पर एन इक्वल सिक्स नहीं, एक पर्टिकुलर केस नहीं लिया है, एक कोई जनरल पॉजिटिव इंटीजर एन लिया है हम लोगों ने। ये सेट है हमारे पास जेड एन, इसके एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, क्योंकि ग्रुप प्रूफ करना है तो हमारे पास सबसे पहले सेट होना चाहिए, ठीक। तो इसके एलिमेंट्स हमको पता है, जीरो बार, वन बार, टू बार, यहां से स्टार्ट होके हमारे कहां तक जाएंगे, बीच में कोई एलिमेंट आर बार, फिर एस बार, और ये एन माइनस वन बार तक जाएगा हमारा एलिमेंट, ठीक। सबसे पहले हम लोगों ने क्लोजर लॉ हम लोग होल्ड करके दिखाना है, ठीक। तो क्लोजर लॉ होल्ड करने के लिए क्या करेंगे, मान लिया हमने कोई भी दो एलिमेंट इस जेड एन के अंदर ले लिया, आर बार एंड एस बार, कोई भी दो एलिमेंट्स लिए। अब दिखाना है हमको कि अगर हम प्लस एन ऑपरेशन लगाते हैं इस पर तो नया एलिमेंट भी इसके अंदर का ही हो, ठीक। तो देखते हैं क्या मिलता है, आर प्लस एन एस बार, इसको नॉर्मली पहले हमें ऐड करना है, आर प्लस एस किया हमने, उसके बाद क्या करना है, एन से डिवाइड करना है, एन से डिवाइड किया हम लोगों ने तो ये हम लोग को मिला, मान लिया हम लोगों ने कि जो रिमाइंडर मिला वो के बार में, ठीक। और के की वैल्यू हमको पता है क्योंकि रिमाइंडर है, एन से हम डिवाइड कर रहे हैं आर प्लस एस को, तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज हैं कि रिमाइंडर या तो जीरो होगा या उससे बड़ा होगा या एन से छोटा होगा, ठीक। एन के बराबर या उससे बड़ा रिमाइंडर कभी नहीं मिलेगा, ओके। तो इसलिए के हमारा जो भी है यहाँ पर वो जीरो से एन के बीच का ही कोई नंबर है, और जीरो से एन के बीच का कोई नंबर होने का मतलब इन्हीं में से कोई है। अगर हम जीरो से एन के बीच की बात करें तो क्या मिलेगा, जो भी एलिमेंट यहां मिलेगा वो कंफर्म है जीरो से एन माइनस वन, इन्हीं में से कोई होगा, यानी कंफर्म है ये एलिमेंट जो मिलेगा वो हमारा जेड एन के अंदर ही होगा, ठीक। तो दो एलिमेंट्स कोई भी लेंगे अगर जेड एन के अंदर तो उसको ऐड करने पर इस ऑपरेशन के संग नया एलिमेंट भी इसके अंदर का ही मिल रहा है हमें, यानी ये जो क्लोजर लॉ हमारा है वो सेटिस्फाइड है इस केस में। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ, ग्रुप प्रूफ करने के लिए। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या करेंगे, कोई भी तीन एलिमेंट्स हम यहाँ के लेते हैं, मान लिया आर बार, एस बार एंड टी बार, तीन कोई एलिमेंट्स हम लोगों ने ले लिए जेड एन के अंदर। अब हमें प्रूफ करना है कि हम इसको इस तरह से ऐड करें, इस तरह से ग्रुपिंग करके, ठीक, या तो हम इसे चाहे तो इस तरह से ग्रुपिंग करके ऐड करें, एडिशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों तरह से हमें सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, यही हमें प्रूफ करके दिखाना है, ओके। तो क्या करते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। एलएचएस इक्वल, हमें पता है ब्रैकेट के अंदर की चीज पहले सॉल्व होती है, और दो एलिमेंट्स को जब इस ऑपरेशन के संग ऐड करना है तो सिंपली पहले क्या करते हैं, हम आर प्लस एस करते हैं, जो हमारा रूल है ऐड करने का एडिशन मॉडुलो एन का, उसके हिसाब से ये हमारा ये स्टेप मिला, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक। अब इन दोनों के बीच ये लगा है तो रूल से ये टर्म और ये टर्म सिंपली ऐड होंगे, जैसे इंटीजर्स की तरह ऐड होते हैं, यानी लिख सकते हैं हम आर प्लस एस प्लस टी, ठीक। अब क्या है, आर एस टी ये सारे हमारे क्या थे, आर एस टी ये सारे हमें जो मिलते हैं ये इंटीजर्स ही होते हैं, और हमें पता है इंटीजर्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है, तो हम चाहें तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आर प्लस एस प्लस टी, कोई हर्ज नहीं है इस तरह से लिखने में, ठीक। अब इस प्लस को ब्रेक करेंगे, ये अलग एलिमेंट लिखेंगे बार लगा के, ये अलग लगाएंगे, तो रूल से हमारा हो जाएगा आर बार प्लस एन एस प्लस टी, ओके। रूल से ये हो गया हमारा। अब इस स्टेप से फिर इस स्टेप पे जाएंगे तो देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इस प्लस पे ब्रेक करेंगे हम, ये प्लस पे, तो हमें देखते हैं क्या मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा आर बार
प्लस एन, और इसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो एस बार प्लस एन टी बार, क्योंकि चाहे हम एस प्लस एन एस बार प्लस एन टी बार लिखे, चाहे हम इस तरह से लिखे एस प्लस टी होल बार, दोनों चीजें सेम है, तो हम ये स्टेप लिख सकते हैं और यही हमारा आरएचएस था। ठीक, यानी एसोसिएटिव लॉ जो है वो जेड एन के अंदर होल्ड कर रहा है फॉर ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो एन। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहां पर दिख रहा होगा एडिशन के लिए जनरली जीरो को ही हम आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलते हैं, यहां पर भी जीरो बार जो कि जेड एन के अंदर है वही आइडेंटिटी है फॉर प्लस एन। ठीक, तो इसको चेक करके हम लोग देख लेते हैं, कोई भी एलिमेंट हम लोगों ने लिया आर बार का जेड एन के अंदर, अब अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये दोनों एलिमेंट जब एक साथ आएंगे ऑपरेशन के संग तो हमें आर बार ही वापस मिलना चाहिए। तो देखते हैं, आर बार में हमने इस जीरो बार को एडिशन ऑपरेशन के संग लगाया रेसिड्यू मॉड्यूल रेसिड्यू क्लासेस के, तो पहले सिंपली एडिशन होगा, सिंपली एडिशन करते हैं तो ये हम देखते हैं क्या मिला, आर बार मिला। ठीक, यानी ये ऐसा एलिमेंट है जो आर बार के संग लगने पे हमें वही एलिमेंट वापस दे रहा है, यानी एक तरह से ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस एन। ओके, नेक्स्ट हमारा इनवर्स एलिमेंट। नेक्स्ट हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, हमारे पास जो सेट है वो है जेड एन इक्वल्स जीरो बार वन बार टू बार, ऐसे ही बीच में कोई एलिमेंट है उसके हम आर बार नोटेशन से दिखा सकते हैं, एस बार नोटेशन से, और ये हमें पता है कि यहाँ पर ये लास्ट एलिमेंट हमारा जो उसका नोटेशन है एन माइनस वन बार है। तो जीरो बार जो हमारा सेट एलिमेंट है जेड एन के अंदर, इसका एडिटिव इनवर्स खुद जीरो बार ही होगा, जीरो बार इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक, क्यों, क्योंकि जब हम इस जीरो बार को जीरो बार के थ्रू हम इस ऑपरेशन के संग ऐड करते हैं, इस ऑपरेशन को लगाते हैं एडिशन मॉडुलो एन, तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिल जाता है। ठीक, तो इस एलिमेंट यानी जीरो जो एलिमेंट है इस सेट का, उसका एडिटिव इनवर्स भी इस सेट के अंदर ही। अब बाकी बचे एलिमेंट हमारे जो है वो क्या है, वन बार से एन माइनस वन बार तक। तो मान लिया हमने इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, यानी जीरो बार के इनवर्स तो मिल गया हमें, अब बाकी एलिमेंट्स के लिए इनवर्स भी हमें सेट के अंदर दिखाना है। मान लिया हमने कोई भी एक एलिमेंट आर बार ले लिया, कहां पर, जेड एन के अंदर, तो आर का रेंज क्या होगा, आर का रेंज हमारा जो है वो वन से लेकर एन माइनस वन तक, क्योंकि आर बार जो है वो या तो वन बार है या टू बार है या एन माइनस वन बार है, इन्हीं के बीच से या इन्हीं में से कोई एलिमेंट है, तो इसलिए आर का जो रेंज है हमारा इंटीजर आर वो वन से लेकर एन माइनस वन, वन या एन माइनस वन या इसके बीच का कोई भी एक इंटीजर है। ठीक, तो हम कहते हैं एन माइनस आर बार जो होगा वो होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ आर बार। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि एन माइनस आर बार जो है वो एडिटिव इनवर्स है, या इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स टर्म बोलने की बजाय हम लिख सकते हैं एन माइनस आर बार इज इनवर्स ऑफ आर बार फॉर ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो एन। ठीक, तो अगर ये एन माइनस आर बार इस आर बार का एडिटिव इनवर्स है, तो जब हम आर बार और इस एन माइनस आर बार को इस ऑपरेशन के संग हम इस ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं इन दोनों पर, तो हमें जीरो एलिमेंट ऑफ सेट जेड एन मिलना चाहिए। तो देखते हैं एडिशन के डेफिनेशन से, हम नॉर्मल जो इंटीजर्स का एडिशन होता है उसके अकॉर्डिंग आर और एन माइनस आर एंड एन माइनस आर को एड करेंगे और हम देखेंगे हमें मिलेगा एन बार। अब एड करने पर जो भी यहाँ पे इंटीजर हमारा आता है इसे हम क्या करते हैं, इस n से डिवाइड करते हैं और फिर रिमाइंडर रखते हैं। ठीक, तो डिवाइड करेंगे जब n को n से, तो रिमाइंडर हमें मिलेगा जीरो बार, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इन दोनों को हम जब इस ऑपरेशन के संग लगा रहे हैं तो हमें जीरो एलिमेंट ऑफ द सेट मिल रहा है, यानी r बार इज इनवर्स ऑफ n माइनस आर बार एंड n माइनस आर बार n माइनस आर होल बार इज इनवर्स ऑफ r बार फॉर दिस ऑपरेशन। ठीक, तो एडिटिव इनवर्स तो हमको आर बार का एन माइनस आर बार मिल रहा है, लेकिन ये जो इनवर्स एलिमेंट है वो उस सेट के अंदर भी होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स अगर हम लेते हैं तो उस सेट के अंदर भी होना चाहिए वो एलिमेंट। ठीक, तो वो चेक करना है हम लोगों को कि यानी एन माइनस आर बार जो है वो भी जेड एन के अंदर है या नहीं, हमें ये चेक करना है। ओके, तो देखते हैं हम कि आर का रेंज जो हमारा है, आर की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक है, आर की वैल्यू हमारी वन एंड एन माइनस वन इन दोनों के बीच है या इन दोनों के बराबर है। ओके, तो माइनस आर अगर हम करते हैं, नेगेटिव माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारी इक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी ये चेंज हो जाएगी,
ये हमारा हो गया माइनस आर इज लेस देन इक्वल टू माइनस आर इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एन। ठीक, जानते होंगे आप क्योंकि r क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और 1 और n माइनस वन भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे, तो जैसे ही माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी हमारी जो है वो इनवर्स हो जाएगी, पलट जाएगी। तो ये इसके स्टेप के बाद हम ये लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे हम n ऐड कर देंगे हर टर्म्स में, तो यहां पर हमारा r की जगह हो गया n माइनस आर, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, यहां पर हो गया n माइनस वन और यहां पर जैसे ही हम n ऐड करेंगे तो n प्लस वन माइनस एन। ओके, यानी n माइनस आर का रेंज जो है हमारा वो हो जाएगा। तो हम देखते हैं n माइनस आर जो है उसका हमारा रेंज जो है वो क्या हो जाता है, n माइनस वन, एंड ये वैल्यू हमारी सॉल्व करने पे 1 आ गई। यानी हम लिख सकते हैं कि n माइनस आर की वैल्यू जो है वो हमारी किसके किसके बीच होगी, 1 एंड n माइनस वन के बीच। ठीक, तो हम देखते हैं कि जब भी हम r की वैल्यू लेते हैं, जब भी हम r लेते हैं कहां से कहां तक, जब हम r कोई इंटीजर ऐसा लेते हैं कि r 1 या n माइनस वन के बीच है या इनके बराबर है, तो n माइनस आर जो है वो भी क्या होगा हमारा 1 एंड n माइनस वन के बीच ही होगा। यानी n माइनस आर जो है वो भी क्या होगा n माइनस आर बार, ये भी क्या होगा, ये भी कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो या तो 1 बार होगा या n माइनस वन बार के बराबर होगा या इनके बीच का कोई एलिमेंट होगा। ठीक, क्योंकि जैसे ही हम देख रहे हैं आर का रेंज 1 से n माइनस वन के बीच है या इनके बराबर है, तो n माइनस आर का रेंज भी 1 और n माइनस वन के बीच या उन्हीं के बराबर हो जा रहा है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स जो मिलेगा प्लस एन ऑपरेशन के लिए वो भी क्या होगा, इसी में से कोई होगा। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। मान लिया जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि हमारे पास n की वैल्यू 6 है और ये सेट जो जेड 6 है इसमें एलिमेंट्स होंगे 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 5 बार। ठीक, मान लिया 0 बार का एडिटिव इनवर्स तो 0 बार होगा, ये हमें पता है। अब हम 1 बार से 5 बार के बीच कोई एलिमेंट लेते हैं, मान लिया हमने 2 बार ले लिया, r बार की वैल्यू हमने r बार इक्वल 2 बार, यानी r का जो रेंज है वो क्या है, r की वैल्यू यहाँ पर 2 हम लोग ले रहे हैं, तो n माइनस आर बार ये जब निकालेंगे तो n की वैल्यू 6 यानी 6 माइनस 2 बार यानी 4 बार। तो देख रहे हैं हम n माइनस आर जो है, ये r हमारा कहाँ था, ये हमारा 1 एंड 5 के बीच था, तो n माइनस आर बार जो है वो देख रहे हैं हम 4 बार आ रहा है, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या है, किसके किसके बीच है, 1 एंड 5 बार के बीच है। ठीक, 1 एंड 5 के बीच। ठीक, तो ऐसे कोई भी एलिमेंट हम 1 से 5 बार के बीच लेंगे तो देखेंगे जो n माइनस आर होगा वो भी 1 बार से 5 बार के बीच का ही कोई एलिमेंट होगा, यानी हर एलिमेंट का इनवर्स भी सेट के अंदर ही प्रेजेंट है। साथ ही साथ हम एक चीज और देखते हैं कि r बार प्लस n माइनस आर बार, यहाँ पर ये हमारा एडिशन मॉडुलो 6 है, ये वैल्यू हमारी आइडेंटिटी के बराबर आनी चाहिए। r बार हम लोगों ने लिया है 2 बार प्लस 6 का ये नोटेशन, एडिशन का नोटेशन, n माइनस आर बार हमारा आया है 4 बार। तो सिंपली हम इसको पहले जैसे इंटीजर्स का एडिशन करते हैं वैसे करेंगे, तो 2 प्लस 4 यानी 6 बार, और जो भी ऐड करने पे इंटीजर आता है उसको फिर इस यहाँ पर जो नंबर लिखा है उससे डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग, 0 रिमाइंडर आएगा यानी 0 बार, यानी 2 बार का इन्वर्स जो है वो 4 बार है एंड 4 बार का इन्वर्स 2 बार है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। कॉमेटेटिव लॉ भी हम देखते हैं इस केस में होल्ड करता है। कोई भी दो एलिमेंट r बार एंड s बार अगर हम लेते हैं zn के अंदर और इस पर ऑपरेशन लगाते हैं एडिशन मॉडुलो n, तो डेफिनेशन से इसे हम सिंपली पहले ऐड करेंगे, r प्लस s इंटीजर्स हैं तो इनका एडिशन कॉम्यूटेटिव होने की वजह से इसे हम s प्लस r भी लिख सकते हैं और फिर एडिशन मॉडुलो n की डेफिनेशन से इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है, और क्योंकि zn में टोटल n एलिमेंट्स है यानी ये फाइनाइट सेट है, तो ये हमारा एक फाइनाइट एबेलियन ग्रुप हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस एन, विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस एन, और इसका ऑर्डर क्या होगा, एन होगा क्योंकि इसमें एन एलिमेंट्स हैं, ऑफ ऑर्डर है।